YouTube पर आपको वाटरप्रूफ से संबंधित लगभग 5000 से भी ज्यादा वीडियोज मिल जाएगी। उन वीडियोज में से अधिकतर वीडियो आपको मिस गाइड करने वाली है। ऐसी वीडियो ना सिर्फ आपका समय खराब करती है, अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो आपका पैसा भी बर्बाद कर सकती है। और तो और, समय और पैसा लगाने के बावजूद भी हमको सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को मिस गाइड होने से बचाया जाए और वाटरप्रूफ पर एक सही और सटीक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। नमस्कार मेहमान, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। अब तक मैंने सैकड़ों घरों में वाटरप्रूफ करवाया है और जब भी मैं किसी नए मकान मालिक को वाटरप्रूफ का एस्टीमेट देने के लिए जाता हूं, तब मैं उनको एक ही सलाह देता हूं कि साहब आप वाटरप्रूफ का पुख्ता इलाज करवाइए। टेम्परेरी तरीकों से आपका काम नहीं होने वाला है। टेम्परेरी आप करवाएंगे तो 2 या 3 साल के बाद में आपकी छत वापस लीकेज हो जाने वाली है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई भी आदमी एक केमिकल का डब्बा लेकर आता है और वो आपको बताता है कि ये ऐसे लगाइए तो आपका काम हो जाएगा, आपका लीकेज बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कई वीडियो तो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा बता रहा है कि वाटरप्रूफ अब बच्चों का काम हो गया है। नहीं साहब जी, वाटरप्रूफ बच्चों का काम नहीं है। वाटरप्रूफ एक ऐसी पद्धति है जो आपके घर और आपके बच्चों को सुरक्षित रखती है। छत अगर आपकी लीकेज हो रही है तो इसको लाइटली ना लें, इसका पुख्ता इलाज ही करवाएं। मुझे नहीं पता कि आप यह मेरा वीडियो कौन सी सीजन में देख रहे हैं। अगर आप बरसात के दिनों में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी छत टपक रही होगी या फिर दीवारों में से सीलन आ रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नया मकान बनवाया है और आप अपने छत पर वाटरप्रूफ करवाने के लिए चिंतित हैं, इसलिए ये जानना चाहते हैं कि छत पर कौन सा वाटरप्रूफ कैसे किया जाता है। जो भी है, आपकी जो भी परेशानी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए ज्यादा बात करूंगा जिनकी छत टपक रही है, दीवारों में से सीलन आ रही है, पीओपी खराब हो रही है या फिर उनका फर्नीचर खराब हो रहा है। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताता हूँ और कुछ कारण बताता हूँ। कारण अगर आपको मिल जाएगा तो सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी छत में जो सीलन आ रही है वो सिर्फ बरसात के दिनों में आती है या फिर रेगुलर दिनों में भी आती रहती है, या फिर बरसात के दिनों में वो है सीलन बढ़ जाती है। अगर आपके घर में अदर सीजन में भी सीलन आती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके छत की टंकी लीकेज हो सकती है, हो सकता है कोई पाइप लीकेज हो सकता है, टॉयलेट बाथरूम चौकड़ी की गली टेप लीकेज हो सकती है, किचन का सिंक का पाइप वेस्ट पाइप लीकेज हो सकता है, कहीं न कहीं आपके इंटरनल पाइप में प्रॉब्लम है। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, किसी एक्सपर्ट प्लम्बर को बुलाइए और उनसे चेक करवाइए और वो चीज पहले फिक्स करवाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे इंटरनल पाइप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा जो सीलन है वो उसका रीजन सिर्फ बारिश ही है, तो आप बरसात रुकने के बाद में छत पर जाइए और उस हर संभावित चीज को मार्क कीजिए जहां से आपको ऐसा लगता है कि यहां से पानी जा सकता है। छत पर जाते समय आप यह बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मुझे छत पर जाते समय कोई बड़ी सी क्रेक मिलेगी या बड़ा सा खड्डा मिलेगा, ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है। पानी को जाने के लिए सुई से भी कम जगह की जरूरत हो सकती है और वहां से पानी लीकेज होके आपके रूम तक आ सकता है। इसलिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुने और वहां पर छत पर जाकर उस चीज को तलाशें ताकि आपको कुछ उस वहां पर पानी जाने का सोर्स आपको मिल जाएगा। कभी कभी हमारे साथ में ऐसा होता है कि सीलिंग के जिस भाग में पानी आता हो हम छत पर जाकर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर उस क्रेक या खड्डे को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से हमको पानी जाने का सोर्स मिल जाता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि पानी कहीं और से घुसता है और निकलता कहीं और है। इसलिए पहले पॉइंट में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बारीकी से जांच करें कि आपके छत की सरफेस पे कहीं पर भी कोई क्रेक या कोई खड्डा है या नहीं है। अगर वहां पर कोई खड्डा या फिर कोई क्रेक छोटी मोटी भी अगर आपको नजर आती है तो वहां पर मार्कर से आप मार्किंग कर लें। अब मान लीजिए कि आप छत पे गए और छत पे जाने के बाद में आपको ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला
जहां से आपको ऐसा लगा कि यहां से पानी जा रहा है, यहां पर क्रेक है या पर कोई खड्डा है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे दूसरे पॉइंट को ध्यान से सुनिए और यह सुनिश्चित करिए कि आपकी छत पर कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर पानी भरता हो, जहां पर पानी का ठहराव हो। अगर वहां पर पानी का ठहराव है तो आप यह सुनिश्चित कीजिए कि वह पानी कितने दूर में भरता है और उसका लेवल क्या है। लेवल क्या का मतलब है, वहां पर एक अंगुली डूब रही है, दो अंगुली डूब रही है, एक सिक्का डूब रहा है, दो सिक्का डूब रहा है या तीन कॉइन डूब रहा है, कितना पानी वहां पर भर रहा है। मान लीजिए वहां पर ना कोई आपको क्रेक मिली हो, ना खड्डा मिला हो और ना ही पानी जमा होने का ठहराव मिला हो, फिर भी पानी तो आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी छत पे कुछ ऐसी जगह प्रॉब्लम हो जहां पर आपने पुराना कबाड़ी का सामान वहां पर रखा हुआ है, बटन वगैरह रखा हुआ है, तो वहां से उस सामान को हटाकर देखिए, वहां पर भी कुछ आपको प्रॉब्लम नजर आ सकती है। अगर आपके स्लेब पर वाटरप्रूफ ब्रिक बेड कोबा वाटरप्रूफ किया हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ चेक कीजिए। अगर वहां पर टाइल्स लगाई हुई है तो उस टाइल्स की स्ट्रेंथ चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइल्स जब हम ठोकते हैं तो उसमें ऐसी आवाज आ रही हो। आप सुन सकते हैं, अगर ऐसी आवाज आती है तो हो सकता है कि आपके टाइल्स में ही प्रॉब्लम हो। अगर आपको टाइल्स के अंदर भी कहीं जॉइंट खुले रहते हैं या फिर आपकी छत पर कहीं चाइना मोजिक किया हुआ है और चाइना मोजिक का या टाइल्स का अगर कहीं जॉइंट खुल गया है तो वहां पर भी आप मार्किंग कर लें। अगर आपके छत पर ब्रिक बेड कोबा किया हुआ है और वहां पर भी पतली से पतली हेयर क्रैक भी है तो भी वहां पर आप मार्किंग कर लें। और अगर आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, ना कोई ब्रिक बेड कोबा किया हुआ है, ना टाइल्स लगाई हुई है, ना चाइना मोजिक किया हुआ है, ना मार्बल मोजा किया हुआ है, ना मार्बल पेस्ट किया हुआ है और ना ही आपने कोई डैम प्रूफ का वाटरप्रूफ करवाया, कुछ नहीं करवाया है, खाली सिर्फ स्लेब है, तो भी वहां पर पानी जाने का कोई ना कुछ सोर्स जरूर होगा। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है तो आप हमारे कंपनी के नंबर पर फोटो और वीडियो बनाकर भी आप भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके जो लीकेज हो रहा है उसका कारण जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि आपने सब जगह चेक कर लिया, उसके बावजूद भी ऐसा कोई कारण नजर नहीं आया, तो छत और चार दीवारी के बीच में यह जो कोना होता है वहां पर भी आप बारीकी से जांच कर लें। वहां पर आपको जरूर कुछ न कुछ क्रेक आपको मिल सकती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में इसी चार दीवारी और फ्लोरिंग के बीच में क्रेक जनरेट होती है और यहां से ही पानी घुसने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। अगर आपको यहां पर भी कुछ नहीं मिलता है तो अब आपको चेक करना है पैरापेट का प्लास्टर, अंदर का भी और बाहर का भी और ऊपर का भी। अगर पैरापेट का प्लास्टर कमजोर होता है तो भी पानी पैरापेट से होते हुए छत के अंदर चला जाता है। अगर आपको कहीं कुछ कारण नहीं मिलता है तो अब आप बाहर की तरफ जाइए और वहां पर बाहर का प्लास्टर चेक करिए। हो सकता है आपकी कोई बालकनी हो सकता है कोई छज्जा हो, वहां ऊपर कोने में वहां पर एक हॉरिजॉन्टल क्रैक हो सकती है और वहां से पानी जा सकता है, क्योंकि समय के साथ में बालकनियां और छज्जे झुकने लगते हैं और ऊपर एक क्रैक जनरेट हो जाती है जिसमें पानी बीम और या फिर कॉलम के जरिए अंदर रूम तक पहुंच जाता है। बाहर की साइड में हो सकता है कि आपको कुछ वर्टिकल क्रैक देखने के लिए मिले, लेकिन उसमें से पानी कभी नहीं जाता है, क्रैक जाता है हमेशा हॉरिजॉन्टल क्रैक में से ही जाता है। अगर आपको कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल क्रैक देखने को मिलती है तो 100% उसी में से पानी जाता होगा। आपने पूरी कोशिश कर ली, आपने साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां अपना ली, उसके बावजूद भी आपको लीकेज के कारणों का पता नहीं लगा है, तो आपके यहाँ से कोई लोकल एक्सपर्ट को बुलाइए और उसको छत दिखाइए और उसके बाद में वो जो सॉल्यूशन बताता है उसके हिसाब से आप काम करवाइए, या फिर आप हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर जी के हेल्पलाइन नंबर पर भी आप फोटो या वीडियो अपने मकान का भेज सकते हैं, छत का भेज सकते हैं, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम कहां पर है। अगर आपको कारण मिल जाता है कि यहीं से पानी जाता है तो फिर सॉल्यूशन तो बहुत हैं, लेकिन कारण मिलना ही मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जाने का सोर्स कहीं और होता है और हम इलाज कहीं और कर रहे होते हैं, इसके कारण से भी फिर वो इलाज सही नहीं हो पाता है और वो जो लीकेज की समस्या है वो बनी रहती है। अब मान लीजिए कि आपको कहीं न कहीं लीकेज के कारणों का पता चल गया है,
तो अब आपको सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ऐसे पांच सॉल्यूशन बताता हूं और उन पांच सॉल्यूशन को सुनकर आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वही आज सॉल्यूशन आप अपने मकान के लिए करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पांचों टिप्स हैं वहीं पर काम करेंगी अगर आपकी समस्या छोटी हुई, अगर बड़ी समस्या हुई तो यह टिप्स आपको काम नहीं करेंगे। आपको पद्धति सर आपको एकदम फुल प्रोसेस के साथ में वाटरप्रूफ करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी समस्या हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जो आपको 2-3 साल तक के लिए राहत दे सकते हैं। मेरे पास सबसे पहली चीज है टेप, रबर वाटरप्रूफ टेप। आप यह जो आप टेप देख रहे हैं इस टेप की कीमत 200 रुपए के आसपास है। इस टेप के ऊपर एल्यूमिनियम का एक कोटिंग किया हुआ होता है और नीचे स्ट्रॉन्ग एडहेसिव लगा होता है और यही एडहेसिव सरफेस को पकड़ कर रखता है। इस टेप की चौड़ाई 2 इंच होती है और लंबाई 5 मीटर तक होती है, यानी कि 16 फुट तक होती है। इस टेप को किसी भी ठोस सरफेस पर चिपकाया जा सकता है, जैसे सिरामिक टाइल्स हो गई, सीमेंट के पतरे, लोहे के पतरे, पीवीसी पाइप, कांच, लकड़ी या फिर छत के प्लास्टर पर। इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट का 201 क्रैक एक्स पेस्ट। इसकी 500 ग्राम पैक की कीमत लगभग 250 रुपए के आसपास है और यह पेस्ट आप अंदर या बाहर की दीवारों में पड़ चुकी दरारों में भर सकते हैं। यह एक एडहेसिव बेस्ड रेडीमेड पेस्ट है, इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके बाद मेरा तीसरा प्रोडक्ट है पेच एंड सील वाटरप्रूफ टेप। यह भी उसी तरीके का टेप है जो मैंने आपको पहले नंबर पे दिखाया था। इसको यूज करना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। इसकी कीमत लगभग 350 रुपया होती है और इसको भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके बाद मेरा चौथा प्रोडक्ट है क्रेक सील और यह प्रोडक्ट सीमेंट बेस पाउडर के रूप में आता है और यह क्रेक सील वाटरप्रूफ पाउडर आपको मात्र 150 रुपए में मिल जाएगा और 50 से 60 रनिंग फुट क्रेक भी आप इसको आराम से भर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इससे भी सस्ता सॉल्यूशन और यह जो प्रोडक्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिरामिक जॉइंट पिलर। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा और यह 60 रुपए का आधा किलो आता है, 500 ग्राम आता है और इसको भी आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पानी मिलाना है और जहां पर भी क्रेक पड़ी है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल क्रेक हो, वहां पर आपको लगा देना है। 5 से 6 घंटे में ये सूख जाता है और उसके बाद में क्रेक से पानी आना बंद हो जाता है। वाटरप्रूफ के लिए मार्केट में और भी बहुत सारे टेप, केमिकल, सॉल्यूशन, पाउडर, पेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये सारी चीजें परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं देंगी, इसलिए आपको गारंटी वाला और परमानेंट वाटरप्रूफ ही करवाना चाहिए। अगर आपको अपने ही शहर में वाटरप्रूफ मिस्त्री या ठेकेदार चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा कॉन्ट्रैक्टर जी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप निशुल्क मिस्त्रियों को बुला सकते हैं और उनसे एस्टीमेट ले सकते हैं। कंपनी का हेल्पलाइन नंबर, एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेता हूँ, नमस्कार, राम राम।